दादा जो आज एक बैठक थी, ये बैठक किस विषय पे थी आप लोगों की? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे रही थी आज जो बैठक थी, दिशा का बैठक थी। और आज इस बैठक में बहुत सारे मुद्दा हमारे पूरा जिला का, विधानसभा क्षेत्र का, हमने अपना मुद्दा को उठाया, जिसमें सबसे बड़े विषय ये रहा कि आज हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झाटी जंगना पंचायत था जो क्षेत्र है, जो हमारा पूरे विधानसभा से अलग है, एकदम जंगल का बीचों बीच में है, और वहाँ BSNL का टावर नहीं होने के कारण ना किसी का मोबाइल चलता है, ना वहाँ पर कोई राशन स्टोर का दुकान चलता है। अगर राशन स्टोर है तो उसको टिप्पा मारने के लिए उसको 5 किलोमीटर गालुडी क्षेत्र आना पड़ता है, तब वो उसको राशन मिलता है जी। ऐसे परिस्थिति में इस बात को कई बार हमने विधानसभा में भी उठाया था जी। और भारत सरकार के ये विभाग को भी लिख करके हमने दिया था। तो आज ये तय हो गया है कि ये आज की बैठक में कि वहाँ पर BSNL के ऑफिसर भी उपस्थित हुए थे, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे। हमने कहा जल्द फल नहीं, डेट दीजिए। तो आज उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर हम झाटी झरना सहित जितने भी पूर्वी सिंहभूम जिले में जहाँ टावर नहीं लगता है, जैसे हमारा जामपाड़ा क्षेत्र में टावर कई जगह नहीं लगता है, हमारा मुसावनी क्षेत्र में फॉरेस्ट ब्लॉक में टावर नहीं लगता है, हमारा गुड़ाबंदा ब्लॉक के फॉरेस्ट ब्लॉक में कुछ जगह में टावर नहीं लगता है, चकुलिया बोड़ा गोड़ा में कुछ टावर नहीं लगता है, करीब ऐसे 40 जगह है कि यहाँ पर टावर नहीं लगता है, और सभी जगह लगाने के लिए लगेगा लेकिन आज हम लोग तय के इस बैठक में तय हो गया है कि 1 महीने के अंदर झांटी झरना में वहाँ टावर का उद्घाटन करने के लिए विभागीय स्थानीय संसद, स्थानीय विधायक और जिला का DC हम लोग सभी लोग जाएंगे। एक महीना समय लिया है विभाग, BSNL का विभाग पदाधिकारी, 1 महीने में वहाँ झांटी झरना में वहाँ टावर गाड़ा जाएगा, और तब वहाँ पर सारे सिस्टम, चाहे मोबाइल का सिस्टम हो, चाहे राशन कार्ड का बात हो, चाहे किसी भी तरह का बात हो, माने टावर चले जाने पर सारी सुविधा अब झांटी झरना का लोग को मिलेगा। और दूसरा यह बात है, और बहुत बड़ा एक बात आई थी पुतलू टोल प्लाजा के लिए, उसको भी आज, चूँकि विगत दिशा का बैठक में टोल प्लाजा का बात आया था, उसमें क्या क्या बात हुई वो भी सारे रिकॉर्ड होता है, और उसमें पुतलों का बात सामने आया था, और हमने उस समय भी बात रखा था कि उन लोगों को अगर टोल प्लाजा में के लिए जितना ज़मीन की ज़रूरत है उतना ज़मीन हो चुका है, और उससे अधिक बढ़ करके 21 एकड़ ज़मीन जो है वो कमर्शियल पर्पस लेना चाहता है। अगर कमर्शियल पर्पस लेना चाहता है तो यहाँ पर कमर्शियल रेट से ही ज़मींदाता को पैसा मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले बैठक में ही ये लिखा गया था, प्रोसीडिंग हो गया था, लेकिन आज फिर मामला आया तो फिर वह बात तय हो गया है कि आज की पूर्ण एनआचआई पदाधिकारी को स्पष्ट यह बोल दिया गया है कि आपका जितने ज़मीन की ज़रूरत था, 4 लाइन भी बना लिया आप, 8 टॉल ब्रिज भी बना लिए हैं, अब भी जो 21 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपको ये कोनो बिजनेस के पर्पस आप ले रहे हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस ज़मीन ले रहे हैं तो आपको वहाँ ज़मीन भी बिजनेस पर्पस कमर्शियल रेट में आपको लेना होगा, अगर नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको खारिज कर देंगे, जिला से जो अधिग्रहण किया है हम लोग खारिज कर देंगे। और उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा है, और वो आज तो बोल रहा था हम छोटा अफसर है, तो बहुत DC में हम बोले कि छोटा अफसर कहने का क्या जरूरत है यहाँ पर जी, आप बड़ा अफसर को भेजते जी जी। तो आज यही हुआ कि आज की बैठक में सबसे बड़ा डिसीजन कि यहाँ हमारा जिला में सभी जगह टावर लगेगा, और 1 महीने के अंदर झांटी झरना से शुरुआत होगा, उसमें हम लोग उद्घाटन करेंगे, और पुतलू टोल प्लाजा के जो वहाँ पर जो ज़मीन 21 एकड़ ज़मीन का मामला चल रहा है,
जो विवाद चल रहा था, वहाँ के लोग जो ग्रामीण जो बोल रहे थे कि हम यहाँ का हम कमर्शियल काम के लिए अगर ले रहा है तो कमर्शियल रेट हमको मिलना चाहिए, अगर फोर लाइन में के लिए लेता, अगर टोल प्लाजा के लिए लेता तो ज़रूर हम लोग देते, लेकिन टोल प्लाजा बन गया, फोर लाइन भी बन गया, अब 21 एकड़ ज़मीन को कहाँ करेगा। इसीलिए ज़मीन का कोई ज़रूरत नहीं NHAI को, और उस जो भी अधिग्रहण हुआ उसको रद्द कर दिया जाए या फिर कमर्शियल रेट पर उसको या कमर्शियल रेट पर। जी धन्यवाद।